सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग सिखाएंगे, जैसे को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो गाइस, काफ़ी ऑसम और अट्रैक्टिव फोटो लग रही है, आप देख सकते हैं कितना ऑसम है। तो ट्यूटोरियल बहुत ही ईजी है, तो आप सिंपली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तो आप इजीली कुछ इस टाइप फोटो एडिटिंग करना सीख जाइएगा। एंड गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, हम ऐसा की तरह पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से। ओके गाइस, पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से बैकग्राउंड को साथ ही साथ इंपोर्ट कर लेना है पिक्सआर्ट में। एंड उसके बाद ऐड फोटो पे जाएंगे, जो कटआउट मॉडल है उसको ऐड कर लेंगे। तो सिंपली ऐड फोटो पे जाएंगे एंड गाइस कुछ इस तरह से कटआउट जो मॉडल है उसको ऐड कर लेंगे। तो पहले इसको कुछ इस टाइप से छोड़ देंगे, पहले इसको डन नहीं करना, फिर ऐड फोटो पे जाएंगे। ओके गाइस, आपको दो यहाँ पे पीएनजी ऐड करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो पीएनजी को ऐड कर दिया हूँ। तो पहले इसको शैडो को जो है, पहले इस कटआउट जो मॉडल है इसको अच्छे से परफेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे से सेट कर दिया। ओके गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो है परफेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे से सेट कर दिया हूँ मॉडल को। एंड उसके बाद यहाँ पे शैडो को अच्छे से कुछ इस टाइप से इसको लगा देंगे। तो शैडो को कुछ इस टाइप से लगाने के लिए इसको जूम कर लेंगे। एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से शैडो को लगाने के बाद आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मूव डाउन मिल जाएगा, तो इसको नीचे कर लेना है कुछ इस टाइप से, और इसको कुछ इस टाइप से लगा देना है आपको। एंड लगाने वाले इसको ओपेसिटी हल्का सा कम कर देंगे कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेंगे पहले। एंड डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे भी कुछ इस टाइप से लगा देंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो है मैं शैडो को लगा चुका हूँ। एंड उसके बाद इस लाइट का जो है ब्लेंडिंग चेंज कर लूँगा स्क्रीन कुछ इस टाइप से। एंड डन कर दूंगा। एंड उसके बाद फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे। एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से इस टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेंगे और इस कुछ इस तरह से जो है इसको लगा देंगे। एंड डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे। ओके गाइस, तो आपको इस पीएनजी को ऐड करना है। एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ आपको नीचे की तरफ कुछ इस तरह से इसको लगा देना है। एंड डन कर देना है। सो गाइस, फाइनल जो है पिक्सआर्ट में स्टेप खत्म हो चुका है। तो इस फोटो को सेव करके चलेंगे लाइटरूम में बैकग्राउंड से मैच करने के लिए। तो सेव पे क्लिक कर देंगे, फोटो हो जाएगा सेव। एंड लाइटरूम ऐप को ओपन करने के बाद सिंपली ऑल फोटो पे आएंगे एंड इस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको सिंपली इस लाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको कंट्रास्ट को हल्का सा कम कर लेना है कुछ इस टाइप से। एंड हाईलाइट को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। एंड शैडो को भी कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देंगे। एंड ब्लैक को हल्का सा कम कर देंगे। एंड वाइट्स को भी थोड़ी सी कम कर देंगे। एंड उसके बाद वाइब्रेंस को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे। एंड उसके बाद मिक्स ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे रेड को थोड़ी सी इंक्रीज कर लेंगे, लीफ जो है रेड हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट कलर आएंगे, तो यहाँ पे सिचुएशन हल्का सा कम कर लेंगे। एंड लुमिनेंस को बढ़ा देंगे, फेस जो है गोरा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट येलो कलर पे आएंगे, तो इसका जो है ह्यू माइनस 50 रख लेंगे। एंड सिचुएशन को हल्का सा इंक्रीज करेंगे। एंड लुमिनेंस को माइनस की तरफ थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड उसके बाद ग्रीन कलर का आएंगे, तो ग्रीन कलर का सिचुएशन बिल्कुल कम कर देंगे। एंड उसके बाद एक्वा कलर में आने के बाद इसका ह्यू जो है कुछ इस टाइप से रख लेंगे। एंड उसके बाद ब्लू कलर पे आएंगे, तो इसका भी यहाँ पे ह्यू जो है 13 रख लेंगे माइनस। एंड सिचुएशन इंक्रीज कर देंगे एंड डन कर देंगे। एंड टिंट को हल्का सा कम कर देंगे। एंड देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। एंड उसके बाद इस ऑप्शन पे आएंगे, तो इसमें क्लैरिटी ऐड कर लेंगे एंड डिहेज हल्का सा। एंड उसके बाद नॉइज रिडक्शन एंड कलर नॉइज रिडक्शन एंड शार्पनिंग। देन गाइस, देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर फाइनल जो है फोटो हो चुकी है कंप्लीट।
तो कितना ऑसम फोटो लग रहा है। तो आप भी ऐसे फोटो एडिटिंग करो और इंस्टा पे पोस्ट करो, मेरे को टैग करना मत भूलना मेरे भाई। और इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पे आप फॉलो भी कर लेना। तो सिंपली इस फोटो को सेव कर लूँगा, तो शेयर पे क्लिक करूँगा एंड सेव टू डिवाइस।